हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपसे आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में आपसे का एक बार मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज हम जो एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं, इससे हम बोलते हैं पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम। तो देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम है ये बहुत पहले यूज किया जाता है। हालांकि इस प्रकार के एम्पलीफायर आपको आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि काफ़ी सारी स्किल हमें सीखने को मिलती है पुराने एम्पलीफायरों से। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जो इस प्रकार के एम्पलीफायर होते थे, ये 8 वोल्ट से लेकर हमारे जो 15 वोल्ट तक हैं, इतने वोल्टेज में ये एम्पलीफायर हमारे यहाँ पर चलते थे। तो इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो बहुत अच्छी आउटपुट पावर भी देखने को मिलती है और बहुत अच्छे एम्पलीफायर भी माने जाते थे। तो एक्चुअली जो पहले एम्पलीफायर होते हैं वो भी इसी प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, इस सर्किट डायग्राम की एसटीडी आपको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें दो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, एक हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर जो देख पाए ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है और यहाँ से हमें आउटपुट देखने को मिलता है। ये कॉमन है, ये 4 ओम, ये 8 ओम। इस प्रकार से हमें यहाँ पर 4 ओम और 8 ओम के दो ऑप्शन आउटपुट के रूप में देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर ये इसकी प्राइमरी वायरिंग होगी, जिससे ये दो ट्रांजिस्टर हमारे ड्राइव करते हैं इस प्राइमरी वायरिंग को। तो देखिए, इस वायरिंग के जो बीच के वाले कॉमन पॉइंट होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी जाती है और दोनों साइडों से जो ट्रांजिस्टर से ये ट्रांजिस्टर से माइनस सप्लाई आती है, वो इसे ड्राइव करती है। तो देखिए, इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटरों को आपस में जोड़कर यहाँ पर 1 ओम 5 वाट के रेजिस्टेंस लगाकर इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और इसके बेस पर इस ट्रांसफार्मर की ये दोनों लैग कनेक्ट है। इस जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इसका जो कॉमन पॉइंट होगा, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसका जो कॉमन पॉइंट होगा वहाँ पर एक 10 ओम के रेजिस्टेंस GND के साथ कनेक्ट होगी और एक प्रीसेट लगा होगा 10K का, जो कि पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट होगा। तो इस प्रीसेट के एडजस्ट करने से इस ट्रांजिस्टरों को बायसिंग वोल्टेज मिलेगा। तो आपको करीब यहाँ पर इतना बायसिंग वोल्टेज रखना है कि ये हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लगे। तो करीब आपको यहाँ पर 0.5 वोल्ट आपको यहाँ पर जो बायसिंग वोल्टेज है वो रखना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी वायरिंग है उसके एक पॉइंट को हमने पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है जिसका कलेक्टर डायरेक्टली हमारे इस वायरिंग के साथ कनेक्ट है और इसके एमीटर पर एक 50 ओम के रेजिस्टेंस लगा कर इसे GND के साथ कनेक्ट किया है। इसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगाया गया है, जो कि हमारे यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। और देखिए, इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर का भी अरेंजमेंट किया गया है। तो पॉजिटिव साइड यहाँ पर 6.8K की रेजिस्टेंस लगाई गई है और यहाँ पर GND साइड 560 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है। इस प्रकार से यहाँ पर जो इनपुट कैपेसिटर होगा वो 10 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का ही इनपुट कैपेसिटर होगा और आपको यहाँ पर इनपुट सिग्नल देना है। जो भी आप यहाँ पर इनपुट सिग्नल देंगे उसका आउटपुट आपको इस यहाँ से इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, ये पुश पुल इसका नाम क्यों रखा? तो देखिए, पुश पुल यानी ये बारी बारी के से ये दोनों ट्रांजिस्टर काम करते हैं। ये दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ कभी वर्क नहीं करते। ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑन वर्क करेगा तो ये ऑफ रहेगा। इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो देखिए, आपने इन्वर्टर देखा होगा तो उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। उसमें दो वायरिंग होती है तो एक साइड के मॉस्फेट ऑन होते हैं, फिर एक साइड के मॉस्फेट ऑन होते हैं, एक साइड के मॉस्फेट ऑन होते हैं, एक साइड के मॉस्फेट ऑन होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर स्विचिंग टाइप में ये एम्पलीफायर माना जाता है, यानी पुश पुल एम्पलीफायर इसे बोला जाता है। दोनों यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर कभी भी एक साथ वर्क नहीं करते, ये बारी बारी किस वर्क करते हैं, जिससे हमें यहाँ थोड़ा ज़्यादा आउटपुट पावर देखने को मिल जाता है। कैसे ज़्यादा आउटपुट पावर देखने को मिल जाता है? तो देखिए, जो हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई वोल्टेज है वो 12 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव 12 वोल्ट। तो देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट ही है लेकिन आउटपुट आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ऐसे इन्वर्टर टाइप में काम करता है जिसकी वोल्टेज भले ही कम है लेकिन आउटपुट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी आने वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।